ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। नमस्कार, ये है एबीपी न्यूज, आप सुन रहे हैं आज की पांच बड़ी खबरें मेरे यानी श्वेता शर्मा के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक दुजाना की अय्याशी उसकी मौत का कारण बनी। दुजाना पर 15 लाख रुपए का इनाम था। दुजाना घाटी के 12 मोस्ट वांटेड आतंकी में से एक था। कल बिहार सीएम नीतीश के जरिए जाति का नेता बताने से भड़के लालू यादव ने नीतीश पर जोरदार पलटवार किया। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार राजनीति के पलटू राम है। लालू ने पूछा कि नीतीश जाति के नेता नहीं थे तो कुर्मी सम्मेलन में क्यों गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार के दौरान हुई यूपी लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। 2012 से 2017 तक की परीक्षाओं की जांच होगी। उधर सामूहिक विवाह समारोह के तहत योगी सरकार एक लड़की की शादी पर कुल 35,000 रुपए खर्च करेगी। इस राशि में से 20,000 रुपए सीधे लड़की के खाते में जमा होंगे। इसके अलावा 10,000 रुपए कपड़े, पायल, बिछिया और बर्तन खरीदने में खर्च किए जाएंगे। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बिहार में जेडीयू के बाद अब तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो देश की 74% आबादी पर एनडीए का राज होगा। भ्रष्टाचार के आरोप में नवाज शरीफ की कुर्सी जाने के बाद शाहिद खक्कन अब्बासी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान की संसद में सत्तारूढ़ PMLN के शाहिद खक्कन अब्बासी को 221 वोट मिले। अब्बासी नवाज सरकार में पेट्रोलियम मंत्री थे। अब्बासी 45 दिन के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।